Hey guys, welcome back to my channel. और कैसे हैं आप लोग? आज ये जो वीडियो है वो ब्लॉग नहीं है, सिर्फ एक वीडियो है जो कि हमारे किचन से रिलेटेड है. हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किचन है, जहाँ पे हमारा डेली का जितना भी है लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनता है, उसमें जो यूजफुल जो टूल्स होता है ना उसके बारे में है. तो मेरे कुछ जो टूल्स है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो कि मेरे लाइफ को बहुत इजी और स्मूथ और मतलब स्ट्रेस फ्री बनाता है, जो कि आपके लिए भी आगे यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. तो चलिए देखते हैं मेरे लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ को इजी करके रखी हुई है. तो चलिए स्टार्ट. पहले मेरा जो फर्स्ट टूल्स है वो, उसमें सबसे पहले मैं ये बीटल के बारे में बताना चाहूँगी. ये सबके घर में होना ही चाहिए किचन में, क्योंकि आपके घर में मलाई या फिर रोज के लोगों के यहाँ ऑमलेट बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर ही हो. ये बीटर भी काफ़ी यूज़फुल होता है. ये मेरे लाइफ को बहुत इजी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक क्या है, अगर लाइट नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकते उसको, लेकिन ये है, ये हैंड से आप पीट सकते हैं. तो इससे मेरा लाइफ बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैं डेली में मेरे हस्बैंड को चिल्ला, बेसन का चिल्ला वगैरह बनाती हूँ, उसके फेंटने के लिए मुझे यूज़ आता है. और भी चीज़ें हैं मेरे लाइफ की जो कि मेरे को ये फेंटने में बहुत ही यूज़फुल है. तो ये मैं मतलब मेरा सोचना ये कि हर किसी के किचन में ये होना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में आता है ये मेरे किचन के. ठीक है, तो ये है फर्स्ट नंबर. हम सेकेंड नंबर की ओर. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर किसी के किचन में चाकू का होना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो सबके पास चाकू छोटे बड़े सब तरह के होते हैं. एक मेरा ये चाकू है जो कि बहुत ही बड़ा नाइफ है. ये मतलब आपके घर में छोटी मोटी चीज़ें तो छोटे चाकू से कट सकती हैं, मगर बड़े चाकू से काटने के लिए बड़ा चीज़ जैसे कि कद्दू हुआ, अनानास हो गया, ये सारी चीज़ें छोटे चाकू से नहीं कटेंगे, या कुमड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें. तो ये इस तरह का नाइफ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये मैं यहाँ का नहीं है, और ये लोकल मार्केट, ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन ही खरीदें, आप लोकल मार्केट से भी समझदारी से अपना बचत करते हुए चीज़ें खरीद सकते हैं. तो ये भी मेरा ऑनलाइन नहीं है, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है. अलीबाग में मैं रहती थी, वहाँ मैंने लिया है. तो ये मेरा काफ़ी हेल्पफुल है इन बड़ी बड़ी चीज़ों, जैसे जैक फ्रूट है उसको भी काटना इजी नहीं होता है, तो मैं इन्हीं चीज़ों से, इसी से मैं उन चीज़ों को कट करती हूँ. तो ये मेरा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मेरे थिंग्स में आता है किचन के. थर्ड जो है ये है मेरा चॉपर है. इलेक्ट्रिक वाला नहीं है ये चॉपर, मैनुअल है. तो ये हैंड से आप हर सामान को बारीक बारीक काट सकते हैं, इसको आराम से साफ कर सकते हैं. तो इससे मतलब इसमें सामान ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कट करके इसके जो ब्लेड है उसको इसमें लगा देना है, और सामान जो आपको कट करना है वो कट करके इसमें डाल के और बारीक बारीक इसको चॉप कर लेना है, और जो भी आपको सब्जी या जो जिस चीज़ के लिए यूज़ है वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं ईजिली, और इसको साफ करना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं. तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है. तो मेरे को मतलब इससे काम करने में बहुत इजी होता है, जब से मैंने इसको लिया है मेरी लाइफ और इजी हो गई है. फोर्थ है वो है मॉर्निंग में बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये स्ट्रॉ है, जो कि मुझे सुबह गर्म पानी जब मैं पीती हूँ ना उसमें मैं सिरका यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है. और आप कितना स्ट्रॉ लोगे, और प्लास्टिक वगैरह का स्ट्रॉ अच्छा नहीं होता है, तो मैंने ये स्टील का लिया हुआ स्ट्रॉ यूज़ कीजिए. थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको धोइए, साफ़ कीजिए और फिर यूज़ कीजिए. तो ये टूटने का भी डर नहीं है और ना ही ख़राब होने का डर है. और इसको साफ़ करने के लिए ये इस तरह का ब्रश दिया हुआ है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है. मैं सुबह नारियल पानी भी पीती हूँ और साथ में वो भी पीती हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा, ये भी एक मेरा किचन का यूज़फुल पार्ट है जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाया. नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर में.
तो ये है एक पिज्जा कटर। पिज्जा कटर पिज्जा काटने के लिए ही नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ पराठे बनते हैं या कुछ भी बनता है उसके लिए, मुझे कट करने के लिए ये, जब से मैंने मतलब यू लिया है, सिर्फ पिज्जा मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, काफी कुछ चीजें कट करने के लिए मुझे यूज में आता है। जैसे कई बार बर्फी वगैरह भी बनाया मैंने तो इसको मैं इसी से कट कर लेती हूँ, या कुछ जैसे बेसन की सब्जी वगैरह बनाती तो उससे कट कर लेती हूँ। काफी इजी है और कुछ भी हार्ड चीज को भी ये फटाफट कट कर लेता है, तो ये भी मेरा काफी यूजफुल टूल्स में आता है किचन में। 6 नंबर पे मेरा ये ब्रश आता है, सिलिकॉन ब्रश, जो कि पहले मेरे पास मतलब ये मेरे पास काफी 2-3 ईयर्स से है, 2016 एटलीस्ट मेरे पास उस टाइम से है ये, और इसको कोई कुछ नहीं हुआ है। ये आराम से मैं पराठा वगैरह या फिर किसी भी चीज को ग्रीसिंग करने के लिए यूज कर लेती हूँ। जैसे बेक करना है तो उसके लिए भी मैं ग्रीसिंग में यूज कर, इसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आज तक, ये देखिए काफी टाइम हो चुका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया आज तक। हीट में भी यूज किया है मैंने और ऐसे भी नॉर्मली भी यूज किया है, तो ये भी मेरे लाइफ का बेस्ट टूल्स में से। और अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो ये है मेरा 7 नंबर का, तो ये एक नारियल निकालने का है, नारियल का जो अंदर का जो पार्ट होता है ना उसको निकालने का होता है, और ये मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका है 2 बार, एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है। मेरे हाथ में नाइफ से यहाँ कट हो गया है जब मैं नारियल निकाल रही थी, मैंने पहले उसको अच्छे से ठोक लिया उसके बाद निकाला, फिर भी मेरा यहाँ कट हो गया था, तो उस टाइम तो ठीक है, फिर सेकेंड टाइम जब मेरा यहाँ कट हुआ तो मेरे को 2 स्टिचेस आए। उसके बाद मैंने मतलब मेरे अलीबाग में जो मेड थी ना, उन्होंने बोला कि भाभी आप इस टाइप का कुछ ले लीजिए, तो मैंने इसको बुलबुल ऐप से मंगवाया था, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल है। इसको मतलब अटैच कर देना है इसके थ्रू, वहाँ पे पूरा स्टेबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपका कोकोनट है उसको यहाँ लगा के और इसके थ्रू इसको निकालना होता है, तो पूरा काफ़ी उसका जो अंदर का पार्ट है वो पूरा निकल आता है, तो मुझे काफ़ी यूजफुल लगा ये मैं आप इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रिमूव भी करके इसको साफ सफाई भी अच्छे से कर सकते हैं आप, तो ये मुझे ये भी मेरे किचन का बेस्ट पार्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है 8 नंबर का, तो ये हमारा एक मसाले का वो है, बॉक्स है, उसमें सारे मसाले हैं, तो ये भी मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, 6 महीना हो मतलब 3-4 महीना हो गया इसको मेरे को, लेकिन जब मैं इसमें मसाले जो है ना मेरे को अलग अलग जाके ढूंढना नहीं पड़ता है, इसमें डला हुआ है, मैं अपने जो मेरा गैस चूल्हा है उसके बाजू में ही रखती हूँ इसको, और वहाँ से मुझे इसको निकाल के डालने में बहुत ईजी होता है, मुझे टाइम नहीं लगता है, जो चीज़ मुझे जहाँ पे चाहिए वो मिल जाता मुझे टाइम से, तो ये भी मेरा एक बेस्ट पार्ट है मेरे किचन में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो आप भी चाहे तो इस टाइप की चीज़ों को रख के अपना टाइम और अपना सारा चीज़ का बचत कर सकते। तो नेक्स्ट में है 9 नंबर पे ये मेरा केटली, जो कि केटल है, जो कि मेरा सुबह बहुत यूजफुल है जब मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, ऐसे भी एनी टाइम आप कभी भी गर्म कर सकते हैं इसमें पानी, और जब से ये मेरे लाइफ में आया है ना तब से मेरा लाइफ बहुत इजी हो गया है, क्योंकि इसमें पानी गर्म करना बहुत ही इजी होता है, कोई भगोने में ले के अलग से पानी गर्म करो, कई बार होता है अपन सब्जी में या किसी चीज़ में पानी गर्म डालना है तो वो मतलब बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकन भी है, अलग से बर्तन करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डाला और पानी गर्म किया और मतलब यूज़ कर लिया, और सुबह के टाइम में भी मुझे बहुत मतलब बस मैं पानी डालती हूँ, निकालती हूँ, तब तक दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ और इसमें से पानी निकाल के मैं गर्म पानी और सिरका जो मैं यूज़ करती हूँ वो इजीली हो जाता है, तो ये मैं सोचती हूँ कि सबके किचन में होना ही चाहिए, आज की डेट में सबके किचन में मेरे ख्याल से होता ही होगा, तो ये मेरे लाइफ का ये भी बहुत बेस्ट पार्ट है किचन में, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 1 ईयर से है मेरे पास,
ठीक है गाइस, अब हम लास्ट पड़ाव में आते हैं क्योंकि ये मेरा लास्ट है 10th नंबर का। तो ये है एक जूसर, ये इसमें फ्रूट और वेजिटेबल दोनों तरह की चीज़ें इसमें जूस निकल सकता है, ये काफ़ी हेल्पफुल है देखिए। और इसके सारे पार्ट्स निकल जाते हैं, इसको इजीली आप वॉश कर सकते हैं और इसमें मतलब कुछ नहीं करना है, वेजिटेबल्स या जो फ्रूट है उसको पिल करना है और इसमें यहाँ पे इसको डाल देना है और इसका ये जो है इससे प्रेस करना है और इसको ऑन कर देना है इसका बटन और फिर जूस अलग निकल जाएगा और जो पल्प है उसका पार्ट अलग है वो अलग से निकल जाएगा। दोनों के लिए ग्लास बने हुए हैं तो ये बिल्कुल भी किसी मतलब मैं भी बना सकती हूँ, मेरे हस्बैंड बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। और मेन बात है कि बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको जूस रूप में फ्रूट को दे सकते हैं और कई बार मेरा भी मन नहीं होता है, कई ऐसे फ्रूट है जैसे कि पाइनएप्पल वगैरह वो मैं नहीं खा पाती हूँ तो मैं उसको उसका जूस वगैरह यहाँ से निकाल के उसको ले सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है उनको वेट लॉस प्रोग्राम में वेजिटेबल्स का जूस पीना था तो वो उसके लिए, तो मेरे पास ये एक साल से मुझे बहुत ही इससे फ़ायदा है और मैं रिकमेंड करूँ कि आप लोग भी अपने किचन में इसको ज़रूर रखें। और मेरा ये सबसे लास्ट पार्ट और ये मेरा सबसे फेवरेट है। लाइफ में मतलब किचन में बहुत से यूज़फुल थिंग्स होते हैं, हैं सबके पास रहता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी तो सभी चीज़ की होती है बट मुझे जो पार्ट जब सबसे ज़्यादा अच्छा था वो चीज़ें आपके साथ शेयर की। और भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट टाइम कभी और मैं उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये चीज़ आप लोग कैसा लगा। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक या फिर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ही देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी। और मिलते हैं आपसे नए अच्छे वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।